नाज़रीन, तेलंगाना न्यूज़ पीटी की खबरों में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं चंद तफ़सील। स्ट्रोक डे है 29 अक्टूबर एवरी ईयर जो है वर्ल्ड स्ट्रोक डे के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है। इसका बेसिक मकसद ये है कि आवाम में जो है स्ट्रोक अवेयरनेस फैलाना है अपने, राइट। तो आज इस ओकेजन पे जो है ग्लेनफील्ड मल्लारेड्डी हॉस्पिटल से हम चार डॉक्टर जो है आए हुए हैं। मेरा नाम डॉक्टर शकीब अहरार है, कंसल्ट न्यूरोफिजिशियन। मेरे साथ है डॉक्टर यूसुफ, जनरल फिजिशियन, और मेरे साथ है डॉक्टर मोहम्मद अली जो कि वैस्कुलर सर्जन है, एंड डॉक्टर सतीश कुमार साहब जो न्यूरो सर्जन है। उसके अलावा मैनेजिंग डायरेक्टर साहब है डॉक्टर मिस्टर यूनुस अंसारी साहब, ठीक है। आज का मकसद यही था कि स्ट्रोक अवेयरनेस जो है फैलाना है आवाम के बीच में। तो जैसा मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, स्ट्रोक का मतलब है ब्रेन का ब्लड सप्लाई अफेक्ट होना सडनली किसी वजह से। और इसमें बेसिकली क्या है, दो किस्म के होते हैं आपको, इस्कीमिक और हेमरेजिक। इस्कीमिक में जो है ब्लड सर्कुलेशन ब्लॉक हो जाता है, हेमरेजिक में जो है ब्लड वेसल रप्चर हो जाता है जिसकी वजह से खून लीक हो जाता है, ठीक है। जो भी ट्रीटमेंट्स अपन लाइन करते हैं वो इस्कीमिक के लिए करते हैं क्योंकि हेमरेजिक में ज़्यादा कुछ करने को नहीं होता है। इस्कीमिक में जो है अगर आप 4.5 घंटे के अंदर हॉस्पिटल पहुँच जाएंगे तो क्या है, एक इंजेक्शन दिया जाता है जिसका नाम है टेनेक्टेप्लेस या एल्टेप्लेस, इसको क्लॉट बस्टर बोलते हैं। ये भी इंजेक्शन जब भी आप देंगे विद इन 4.5 आवर्स ये इंजेक्शन जाएगा आपके ब्रेन को, आपके ब्लड वेसल को, और जो भी जहाँ भी आपका क्लॉट है उसको लाइज करेगा, रप्चर करेगा या बर्स्ट करेगा, जिसकी वजह से क्या आपका खून का दौरान वापस चालू हो जाएगा, ठीक है। मगर आपको बेसिक याद रखने का ये है कि विद इन 4.5 आवर्स के ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स के 4.5 आवर्स के अंदर ही अगर आप हॉस्पिटल को आएंगे तो आपको इंजेक्शन दिया जाएगा। अब रही बात स्ट्रोक को आइडेंटिफाई करने का तरीका, इसमें क्या है, निमोनिक जो वर्ल्ड वाइड फॉलो किया जाता है उसको बोलते हैं फास्ट, FAST। एफ का मायने है फेशियल डिविएशन, मतलब जब शख्स को बोला जाएगा कि स्माइल करें या दांत दिखाए तो चेहरा एक तरफ खींचा जाएगा, ठीक है। ए का मतलब है आर्म वीकनेस, जब शख्स को बोलेंगे दोनों हाथ उठाने को तो देखा जाएगा कि एक हाथ नीचे गिर जाएगा, ठीक है। एस का मतलब है स्पीच, मतलब स्पीच डिस्टर्ब हो जाएगा या बातचीत बिल्कुल भी नहीं निकलेगी। टी का मतलब है टाइम, मीनिंग इमीडिएटली पेशेंट को विद इन 4.5 आवर्स ऑफ टाइम हॉस्पिटल को पहुंचाना है ताकि हम लोग को इंजेक्शन दे सके, ठीक है। बचने का क्या तरीका होगा, छोटे बच्चे जैसा रहते हैं पैदाइश के बाद में 3-4 दिन के बाद में, उन लोगों को कैसा आइडेंटिफाई करना, अगर उन लोगों को अगर स्ट्रोक आता है? देखिए उसको नियोनेटल स्ट्रोक बोलते हैं, ठीक है। नियोनेटल स्ट्रोक्स में क्या है, यूजुअल कॉज क्या है, इन्फेक्शन की वजह से होता है। इन्फेक्शन मतलब एक वायरस इन्फेक्शन अगर आप बच्चे के ब्रेन तक पहुंच जाएगा तो भी क्या है, रिस्क रहेगा स्ट्रोक आने का। वो वायरस जाएगा आपके ब्लड वेसल को नैरो कर देगा और स्ट्रोक फॉर्म होगा, ठीक है। उसको इमीडिएटली क्या है, एंटीवायरल वगैरह जो भी है स्टार्ट कर देंगे अगर वायरस आइडेंटिफाई हो जाएगा। सिमिलर सिम्टम्स रहेंगे, देखा जाएगा कि बच्चा एक तरफ हाथ पैर नहीं हिला रहा, ठीक है। लेफ्ट हैंड सपोज राइट साइड वीकनेस है तो देखा जाएगा कि खाली लेफ्ट साइड में मूवमेंट है, राइट साइड बिल्कुल मूवमेंट नहीं है। अगर आप बच्चे को गोद में लेंगे तो देखा जाएगा कि एक हाथ गिरा हुआ है, एक हाथ हाथ में है, तो उससे भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं सेम सिम्टम्स। स्ट्रोक से बचने के डिस्कस कर चुका हूँ, फैक्टर्स रहेंगे मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स, नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स। मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स की बात करेंगे तो बेसिक क्या है, आपका शुगर कंट्रोल रहेगा, बीपी कंट्रोल रहेगा, ठीक है। लाइफस्टाइल, अच्छी एक्टिविटी करिए डेली, सेडेंटरी लाइफस्टाइल अगर आपकी है तो नहीं चलेगा, आपको डेली एटलीस्ट 30 मिनट्स वॉक करना पड़ेगा। स्मोकर अगर आप है तो फौरन बंद कर दीजिए, अल्कोहल बंद कर दीजिए, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल अगर आपका हाई है तो कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करिए। बेसिक आपको हार्ट के प्रॉब्लम्स वगैरह है, किडनी के प्रॉब्लम्स वगैरह है तो रेगुलर चेक में रहिए। दूसरी चीज़ क्या है, एनुअल हेल्थ चेकअप सबको कराना चाहिए, वंस यू क्रॉस 30 एवरी ईयर क्या है एनुअल हेल्थ चेकअप कराना है, जिसमें आपका शुगर, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड, हार्ट, एवरीथिंग चेक किया जाएगा। थैंक यू।